हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए लार्ज कैप सेक्टर का ये स्टॉक है, बहुत ही ज़बरदस्त मैं कहूँगा। एक साल में 250 रुपये से 450 का सफ़र इसने तय किया। आप खुद सोचिए कितना परसेंटेज हो जाता है, 40% नहीं, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा कम, 50 रुपये कम है। इतना ज़बरदस्त, वो भी मात्र एक साल का रिटर्न, बहुत ही बढ़िया। इतना बड़ा शेयर होने के बावजूद इतना ज़बरदस्त रिटर्न, मैं कहूँगा ऑसम, अमेजिंग। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये सेक्टर किस सेक्टर का, ये स्टॉक किस सेक्टर का स्टॉक है। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखो, जब अक्टूबर के टाइम फ्रेम में गिरावट चल रही थी, तब भी ये शेयर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से खड़ा था उस गिरावट के टाइम पे भी। डिटेल देखें अगर आप स्टॉक की, देखिए 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 409 का प्राइस है। और यहाँ पे स्टॉक को देखे जाए तो पी रेशियो जरूर हाई प्रीमियम का स्टॉक आपको लगेगा। ये जबरदस्त, इतना बड़ा शेयर होने के बाद भी 4% से ऊपर की इसकी सेल्स ग्रोथ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, स्टॉक कौन सा है। ICICI बैंक लिमिटेड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक के बाद ICICI ही एक बहुत बड़ा प्लेयर है। अब ICICI बैंक की आपने ये डिटेल तो देखी, लेकिन आप कह रहे होंगे यार रिटर्न की बात कर रहे थे, आप वो दिखाइए जरा। तो ये देखिए, हम जब पिछले साल जून जुलाई अगस्त में थे, तब ये 250 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। और इस बार जुलाई अगस्त में ये देखिए हाई 450 के लेवल तक ये हाई गया है। तो कितना बढ़िया ये ऑसम जंप मैं इसको कहूँगा। और जब अक्टूबर टाइम फ्रेम में करेक्शन आया था, तो इस शेयर में मामूली सा करेक्शन में इसको कहूँगा, 350 के लेवल से 300 के लेवल तक जरूर आया था ये। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी इसने दिखाई है, दैट रिकवरी इज़ रियली ऑसम। और उससे पहले स्टॉक देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको वीकली चार्ट पे दिखाऊँ तो और क्लैरिटी आपको मिलेगी। देखिए वीकली चार्ट पे बढ़िया स्टॉक है। देखिए बीच में थोड़ा बहुत डाउन आया जरूर था ये स्टॉक, देखिए ऑलमोस्ट 350 के लेवल से डाउन आके 250 के लेवल तक आया था। और ये टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम फ्रेम था। 6 महीने के बाद जो रिकवरी इसने दिखाई है, जो ग्रोथ दिखाई है, जिस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ ये चल रहा है, दैट इज रियली ऑसम। और अगर आप यहाँ पे देखें, आपने देखा इस स्टॉक ने एक बार जो 60 के लेवल के RSI को पार कर दिया था बियर जोन में जाने के बाद, जब बुल जोन में गया था, उसके बाद देखिए RSI का सपोर्ट 50 के टच को टच करते ही देखिए सपोर्ट मिला, बाउंस बैक हुआ। अगली बार दोबारा ये नीचे आया, देखिए 50 से बाउंस बैक हुआ, बहुत बढ़िया। अभी फिर से RSI नीचे सपोर्ट लेने को आ रहा है, और सपोर्ट लेने को आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इंडिसिजन ऑलरेडी बन चुका है। और उम्मीद है कि यहाँ से बाउंस बैक आपका पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। अभी के टाइम पे शेयर ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 10% डाउन है अपने हाई से, 9 से 10% डाउन है। और ट्रेंड लाइन के आसपास मिले तो और बढ़िया, लेकिन बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिल रहा है ICICI बैंक के शेयर में। और दूसरी चीज, अभी अगर वॉल्यूम भी देखें तो 1,68,00,000 का वॉल्यूम इसका लगातार वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ट्रेडेड वॉल्यूम। इसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ रिजल्ट कब आ रहा है ICICI बैंक का। अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो देखिए 27 जुलाई 2019, आज की डेट 26 जुलाई है, कल इसका रिजल्ट भी आने वाला है। अब आगे की काफ़ी कुछ कहानी रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगी। जैसा कि बैंक का शेयर है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बैंक के शेयर में NPA जरूर देखा कीजिए। अगर NPA अगर अच्छे यहाँ पे निकले, NPA में कमी देखने को मिली है, तब तो बहुत बढ़िया। अगर NPA जितने कम हो उतना अच्छा है, तब तो ये स्टॉक आगे ऊंचाई छू सकता है। लेकिन अगर NPA में कुछ गड़बड़ घोटाला देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली शेयर और नीचे गिर जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के बाद HDFC बैंक का शेयर भी नीचे आया, बजाज फाइनेंस भी नीचे आया, तो ICICI बैंक के लिए भी वो क्रूशियल फैक्टर रहेगा रिजल्ट का। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।